हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 के सातवें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच। ये मुकाबला 19 अक्टूबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 9:30 से बेलराइव ओवल स्टेडियम हॉबर्ट में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट के, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में स्कॉटलैंड की टीम जीती है, वहीं 8 मुकाबलों में आयरलैंड ने जीत हासिल की है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहां पर आयरलैंड का पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आ रहा है। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें स्कॉटलैंड की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे जॉर्ज मुंसी, मिचेल जॉन्स, मैथ्यू क्रॉस, कप्तान रिच बैरिंगटन, कॉलम मैकलॉड, क्रिस ग्रीव्स, मिचेल लिस्क, मार्क वार्ड, जॉर्ज डेवी, सुफियान शरीफ और ब्रैड बील। स्कॉटलैंड की टीम देखने में काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है और अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, क्या इस मुकाबले को भी जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी आयरलैंड की प्लेइंग 11। तो हमें आयरलैंड की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे कप्तान एंड्रयू बालब्रीन, पॉल स्टिरलिंग, लॉर कैंटेकर, हैरी ट्रैक्टर, जॉर्ज डाकल, कैंपर, ग्रेट डेलानी, मार्क आदिर, सिमी सिंह, बैरी मैकार्थी और दूसरा लिटिल। दोनों ही टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर दोनों ही टीमों की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है और इनफॉर्म भी है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर बैटिंग लाइनअप में टॉप ऑर्डर में आयरलैंड का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है, वहीं मिडल ऑर्डर दोनों ही टीमों का लगभग बराबर है। इन दोनों के बीच हमें 160 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा बेलराइव ओवल स्टेडियम हॉबर्ट में। यहाँ के बीच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 176 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 152 रन है। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 213 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 118 है। यहाँ पर हाईएस्ट चेज अभी तक 161 हुए हैं, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 179 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के पास जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे। यहाँ पर स्पिन बॉलर्स के मुकाबले पेस बॉलर्स को ज़्यादा मदद देखने को मिलती है। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस और मैच से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट आपको मिल जाती हैं टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। आयरलैंड जहाँ अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, वहीं स्कॉटलैंड अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर आयरलैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।